दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो बताने वाला हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर की यूज़ किए हैं, जैसे कि इस महीने आपने यूज़ किया, तो नेक्स्ट मंथ में आपको जो है पे करना है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो कितना चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो भी बताने वाला हूँ। साथ साथ मैं बताने किस तरह से आपको पे करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पे आपको जो भी डी होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे कि मेरा देख सकते हैं, यहाँ पर पे करने का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर जितना भी मेरे को पे करना है वो भी यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं करता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेगा, कितना अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस है वो भी यहाँ पर आपको शो करेगा। टोटल देख सकते हैं मेरा 3000 मुझे मिला है अप्रूवल, ठीक है। उनसे मैंने 359 रुपये मैंने यहाँ पर जो यूज़ कर ली हैं, 2701 रुपये मेरा जो है अवेलेबल बैलेंस है, मैं इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको पे करना चाहते हैं यहाँ से पे कर सकते हैं। कितना आपका लेट फी लगा है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है परचेस मैंने किया था 299 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर लेट फी मुझे देना पड़ रहा है वो है 60 रुपये, बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाता है। अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज देखने को मिल जाता है। देखने के लिए क्या करना, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है लेट फी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसको यहाँ पर हाउ इज़ लेट फी कैलकुलेटेड, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल सारा चीज़ आपको मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये से 500 रुपये तक का अगर आप यूज़ किए हैं, और अगर टाइम पर अगर पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर लेट फी आपको 60 रुपये लगेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए 501 रुपये से 1000 रुपये अगर आप यूज़ किए हैं, अगर आप टाइम पर पे नहीं करते 125 रुपये लगेंगे। तो सारा का लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आप इसे देख सकते हैं, और टाइम से आप पे करने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए आप आपको दिखाते पे कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए पे पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करें तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना बहुत ही इजी है, आप चाहे अपने अकाउंट से कर सकते हैं, आप यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको गिफ्ट कार्ड में कोई बैलेंस है उससे भी आप पे कर सकते हैं। चलिए आपको पे करके दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यूपीआई मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फोन पे या तो यू आर यू पी आई आई डी से कर सकते हैं। चलिए मैं फ़ोन पे से करूँगा, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे पर पे नाव पे क्लिक करते हैं। उसको देखिए यहाँ पर इंटर यू आर फोन नंबर, जो भी आपका फोन पे के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर देखिए सेंड ओ टी पी टू लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ 49। इंटर करने पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखिए पे का ऑप्शन है, पे पे क्लिक किया, तो आप जैसे मेरे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।